यहाँ पर एक सर ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया अपने आप में। देखिए मोल्डिंग से अंदर ये पूरा इनले वर्क है। आप एक बार काफी अच्छा डिलीवर किया, हम बहुत सेटिस्फाइड है। और दो चीज़ें जो मैंने शायद पहले भी बताया कि एक टाइमलीनेस और बजट फ्रेंडली डिस्काउंट और मैचिंग वर्क। देखिए गाइस कितना बेहतरीन मैचिंग वर्क किया सर। मिनी बार यूनिट एक डिजाइन करके दिया हुआ है और बहुत बढ़िया स्पेस है लोकेशन आपकी। क्रिएटिविटी चाहिए थी कुछ कुछ एरियाज़ में, मैं कस्टमाइजेशन भी चाहती थी कि मेरे हिसाब से चीज़ें बने, तो ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ। कस्टमर हमारे से जुड़े हुए तो कुछ उन्हें इनोवेटिव मिले और हट के चीज। सीलिंग का ही देख सकते हैं बहुत ही प्यारी और फिनिशिंग बहुत लाजवाब में। मिरर लगाने का मकसद ये है, ये वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों आज हम जुड़ चुके हैं मुकुल जी से और यहाँ पर देखेंगे इंटीरियर का इनके वर्क के बारे में, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और वर्क के बारे में पूछेंगे, बातचीत करेंगे। सर बताइए कुछ अपनी फर्म के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं छाबड़ा इंटीरियर से मुकुल छाबड़ा। हम पूरा दिल्ली NCR कवर करते हैं और आप ये मानेंगे अब हमारी एक नई ब्रांच खुली है, वो चंडीगढ़ के अंदर है। ओके। और हमारी एक नई ब्रांच और ओपन होने वाली है मुंबई के अंदर। ओके, मतलब बहुत ही स्कोप और सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, स्केल अप करते जा रहे हैं और बहुत नाम है सर का यहाँ पर दिल्ली NCR में भी, बहुत नाम है सर का। थैंक यू सर। अगर बात करें स्कोप ऑफ वर्क की तो किस फील्ड में आप वर्क करके सर, देते हैं? हम पूरा टर्न की प्रोजेक्ट करते हैं, पूरी कंस्ट्रक्शंस करते हैं, लेबर हमारे पास है, पूरे टर्न की प्रोजेक्ट। मतलब आप ये मानिए अगर आपको जड़ से अपना घर बनवाना है तो पूरा घर बना के देते हैं हम। ओके, बिल्डिंग में भी बिल्डिंग मटेरियल सर। उसके अलावा 2D ड्राइंग्स हो गई, 3D ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग अगर कोई कंसल्टेशन चाहता है हमारे से, जैसे सपोज अगर हमें केरला से फ़ोन कर रहा है, कोई तमिलनाडु से फ़ोन कर रहा है, तो हम उसे कंसल्ट भी करते हैं। क्या बात है, काफ़ी सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अगर आप बिल्डिंग लाइन में इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन में पूछना चाहते हैं या इंटीरियर में काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, वो सारी हेल्प हो जाएगी। और आपको वास्तु से रिलेटेड भी सर ने जैसे कि मुझे बताया सारी हेल्प आपको करके देते हैं। हाँ जी सर, अगर बात करें आप इंटीरियर की, हाँ जी, जिसके लिए हम जुड़े हैं। हाँ, और आज मैं आपको एक खास बात बता दूं, आज दो मुकुल एक साथ जुड़ चुके हैं जो कि बहुत ही रेयर होता है मेरे साथ में। सर का नाम है मुकुल छाबड़ा। सर अगर बात करें इंटीरियर की फील्ड में, हाँ, तो आपने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं अभी तक? सर अभी 100+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका हूँ। वाओ, वेरी नाइस। अब आने वाले टाइम में सर आप ये देखिए हमारी ऑडियंस का आशीर्वाद रहा तो सर आगे और भी प्रोजेक्ट डिलीवर करते रहेंगे और ये सक्सेसफुली डिलीवर्ड है एंड हैप्पीली डिलीवर्ड है। और सर अगर बात करें बजट की, जो मेन कंसर्न रहता है बजट की, क्या पैसे लगेंगे, कितने में बनती हैं सारी चीजें, बजट उसके बारे में बात हमारे करें। इसमें बहुत मुश्किल होता है लेना, तो बजट कस्टमर के अकॉर्डिंग ही रहता है। अब कस्टमर कैसा वर्क चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, अल्ट्रा लग्जरी चाहते हैं या फिर नॉर्मली एक रहना लिविंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बजट डिसाइड कर पाते हैं हम। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और सर ने जैसे ये साइट रेडी करी है जो कि, हाँ, बहुत ही बेहतरीन लग रही है और इसके बारे में भी पूरी बात करेंगे और सारी समझेंगे और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि सर ने बहुत ही अच्छा फ्लैट रेडी करके दिया है एक कस्टमर को, उनका रिव्यू भी आपको बताएंगे। हाँ, बिल्कुल जेन्युइन 100% जेन्युइन रिव्यू भी आपको दिलवाएंगे। सर अगर स्टार्टिंग कर दें, हाँ जी, तो स्टार्ट कर देते हैं। हाँ फिर जी सर, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम एरिया है। ओके। तो हम ड्राइंग रूम में ही खड़े हैं, इंट्रोडक्शन यहीं दे रहे थे तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अब ये ड्राइंग रूम एरिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे सर, यहाँ पे हमने मोल्डिंग्स का यूज किया हुआ है। हाँ जी। जिसके अंदर ये हमने वॉलपेपर लिया है और इसके ऊपर ये लाइट्स इंस्टॉल की है जी। हाँ जी, ये देखिए मोल्डिंग्स के अंदर ये पूरा इनले वर्क है। Okay. आप एक बार इसे फोकस करके भी दिखाइए। ये SS का वर्क रहने वाला सर? हाँ जी सर, ये पूरी प्योर SS का इनले वर्क है। बहुत बढ़िया। और ये शैंडलियर वगैरह, लाइटिंग सर, ये लाइटिंग और ये सब चीज कस्टमर के एंड पे होती है, लेकिन हम चॉइसेस अपनी भी बताते हैं। ओके। हाँ जी, वेरी नाइस। इसके अलावा आप देखेंगे सर इसकी फॉल्स सीलिंग, फॉल्स सीलिंग की अगर मैं डिटेलिंग में जाऊँ तो इसमें 3 तरीके की लाइट्स यूज हुई है सर। ओके। आप ये देखेंगे सर, इसमें ये 6 inches की लाइट है, इसके साइड में देखेंगे सर ये 3 inches की लाइट है। हाँ जी। और इसके बाद जो कोब में देखेंगे सर, वो कोब लाइट है। ओके। हाँ जी। और ये सीलिंग का ही देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी और फिनिशिंग बहुत लाजवाब है। थैंक यू सो मच सर। और सर जैसे शैंडलियर लगा रखा है, ये भी आपकी अपनी चॉइस है? सर ये चॉइसेस सब हमारी रहती है, बाकी ये सब कस्टमर के एंड चाहिए सर। ओके। हाँ जी। और अब देख लेते हैं LED पैनल।
इसके बाद सर ये टीवी कंसोल दिखाना चाहूंगा, जैसा कि ये वुडन वर्क लगता है लोगों को, बट ये वुडन वर्क नहीं है, मैं बताना चाहूंगा ये लोअर्स का यूज किया हुआ है हमने। ओके हाँ जी, ये लोअर्स रहने वाले हैं। इसके साथ में हमने यहाँ पे लैमिनेट यूज किया है, जिसके पीछे से सर प्रोफाइल लाइट्स आ रही है। ठीक है, आप ये पीछे देखेंगे, पीछे से भी इसकी अच्छा, लाइट प्रोफाइल लाइट जल रही है अभी। हाँ, उजाला है तो वो दिख नहीं रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बेहतरीन लग रही है सर ये भी। इसके बाद हमने यहाँ पे सर ड्रॉर्स दिए हैं, ड्रॉर्स के साथ आप देखेंगे सर यहाँ पे हमने एक यूनिट बनाया है जिसमें आप अपने शो पीसेस लगा सकते हैं। हाँ जी, इसके भी हमने ऊपर यहाँ पे लाइट्स यूज की हैं, आप देख सकते हैं प्रोफाइल लाइट यूज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, बहुत बेहतरीन। और यहाँ पर स्लाइड सर ये ब्लाइंड है। हाँ जी हाँ जी सर, ये ब्लाइंड है बेसिकली, इसके पीछे विंडो है तो यहाँ ब्लाइंड है। ब्लाइंड हमने इसीलिए लगाई है बिकॉज पीछे विंडो है, तो ब्लाइंड यूज करिए, ड्राइंग रूम में अच्छी लगेगी देखने के लिए। बहुत बेहतरीन। हाँ जी, तो ये तो सारा कुछ हो गया अपना इंटीरियर से रिलेटेड काम का, तो ये सारा सर ड्राइंग रूम का अब एरिया बहुत ही बेहतरीन बनाया। अब नेक्स्ट क्या कवर करेंगे हम सर? नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं गेस्ट रूम। ओके, गेस्ट रूम ले जाने से पहले ही आपको दिखाऊंगा, ये हमारी एंट्रेंस रहने वाली है। ठीक है, ये पूरे फ्लैट की एंट्री होती है सर यहाँ से। ठीक है, जिसके बाद हमने ये पूरे लोअर्स का यूज किया है यहाँ पे, आप ये देखेंगे ये सेम चीज हमने सीलिंग में भी यूज की। आप ये देखिए बुलेट, ये देख सकते हैं सारा कुछ आप, और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है फोयर एरिया में भी। और ये आपका आइडिया सर? हाँ जी सर, फोयर एरिया में एक्चुअली में ये हमने स्टेप्स में इसलिए बनाया शू रैक, आप यहाँ पे बैठ के भी इसे यूज कर सकते हैं सर। अगर कोई बैठना चाहे, किसी को शूज पहनने, तो ये स्टेप में इसलिए आप यहाँ पे बैठिए, यहाँ किसी छोटे बच्चे ने एक्सेस करना तो वो भी कीज रख सकता है। मतलब यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन चीज ये करके दिया आपने। और ये स्टार्टिंग में ही मिरर दे दिया है सर, स्टार्टिंग में मिरर लगाने का मकसद ये है, ये वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा माना जाता है, ताकि किसी की नेगेटिव एनर्जी आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भी सर ने लाइट्स का काफी अच्छे तरीके से, सर बुलेट लाइट्स बोलते हैं इसे, तो बुलेट लाइट हमने यूज की है। और एक और चीज दिखाना चाहूंगा सर, जो आपको भी नहीं दिख रही अभी यहाँ पे, ये देखिए सर एक जॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे, ये हाइड कर दिया कुछ, ये सर हाइड कर दिया, ये एमसीबी बॉक्स है। ओके हाँ जी, ये एमसीबी बॉक्स है, ये एमसीबी बॉक्स अभी मैं खोल नहीं रहा हूँ, ये आप देखिए। अच्छा, मतलब अगर कोई आता है ना तो उसको लगेगा नहीं, उसको लगेगा नहीं ये एमसीबी बॉक्स है। बहुत बेहतरीन, देख लेते हैं। हाँ जी हाँ जी सर, आजिए। और बहुत ही बेहतरीन ये सर ने गेस्ट रूम रेडी किया है, ये सारा स्कोप ऑफ वर्क देखिए सर का एक बारी। हाँ जी, बहुत ही शानदार है सर। यहाँ पे वार्डरोब है। हाँ जी, पूरी जिसमें आप देखेंगे रोज गोल्ड फिनिश के हमने हैंडल्स लिए हैं। ओके, और इसके साथ हमने ब्लैक इनले वर्क किया है, बहुत बेहतरीन। आप ये देखेंगे सर, वार्डरोब खुद ही अपने आप में देखने में कितनी अच्छी लग रही है। इसके बाद ये बैक वॉल पे आते हैं सर, ये हमने यहाँ पे वॉल पेपर का यूज किया है। ठीक है, और इसके बाद ये बेड कस्टमर का खुद का पुराना बेड था, अगर हमारे से लेना चाहे तो सर हम भी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, चॉइस कराते हैं आप भी? हम भी चॉइस कराते हैं, अभी एक रूम में हमने बेड लगाया, वो आपको आगे दिखाएंगे अभी। और ये स्टडी टेबल, और ये स्टडी टेबल सर बहुत प्यारा लग रहा है सर। तो स्टडी टेबल में भी आप अगर ध्यान से देखेंगे सर, दो लाइट्स का यूज किया हमने, ऊपर वार्म व्हाइट लाइट है और नीचे व्हाइट लाइट है। सर नीचे व्हाइट लाइट लेने का इसलिए लिए है हमने व्हाइट लाइट, बिकॉज रीडिंग लाइट बोलते हैं सर। बिल्कुल, आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। और ये बुक्स के लिए बहुत हाईलाइट करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, वार्म व्हाइट लाइट लिए सर। इसके बाद सर दिखाना चाहूंगा, ये पीछे आपके टीवी कंसोल है सर। हाँ जी, ये आप टीवी कंसोल देखिए, जिस पर हमने शेल्फ्स लिए हैं सर, वहाँ पे कोई भी अपना स्टैचू या कुछ भी रख सकते हैं सर, शो पीस रख सकते हैं उसे डेकोरेट करने के लिए। बाकी टीवी पैनल है जिसमें हमने लोअर्स का यूज किया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने लाइट्स का यूज किया सर, ये भी प्रोफाइल लाइट्स है। बहुत बढ़िया लग रहा है सर ये भी। और बालकनी का भी गाइस मैं आपको एरिया अभी दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना, पूरी वीडियो देखना, सर का पूरा ही वर्क हम आपको दिखाएंगे, पूरी वीडियो में बने रहना। और सर नेक्स्ट क्या देखेंगे अब हम? सर इसका वॉशरूम। ठीक है, वॉशरूम दिखाइए सर। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। और ये डोर्स बड़े प्यारे लग रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, ये इसका वॉशरूम रहने वाला है। ठीक है, ये वॉशरूम में आप देखेंगे सर, हमने यहाँ पे कैबिनेट्स भी बनाए हैं प्रॉपर, ये पूरे कैबिनेट्स यहाँ पे डिजाइन करे हैं, जिसके नीचे हमने लाइट्स लिए हैं। ठीक है, और ये सामने की तरफ देखेंगे सर, यहाँ पे लाइट वाले मिरर रहने वाले हैं। ये लाइट मिरर रहने वाले हैं, आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है सर, यहाँ से टच करके चेंज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी आइटम है। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा वर्क करके दिया सर आपने, थैंक यू सर। अब आपको लेके चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। ठीक है, हाँ जी सर।
आइए सर, दिखाते हैं आपको अपना डाइनिंग एरिया। ओके, ये पूरा डाइनिंग एरिया है जिसमें हमारा क्रॉकरी यूनिट है। ये क्रॉकरी यूनिट पूरी डिजाइन की है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर सर हमने प्रोफाइल लाइट्स का यूज किया है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और ये सर जो आपने एक रस्टिक फिनिश दी है ना वुडन में, ये बहुत प्यारी लग रही है, कुछ इसके बारे में बताइए। वीनियर यूज किया है क्या? ये एक्चुअली में पीवीसी शीट्स हैं। ये पीवीसी शीट्स जितनी भी आती हैं हाई ग्लॉस फिनिश में आती हैं। ओके। और सर इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में ये। ओके। और ऊपर अगर आप देखेंगे सर, ये हमारा एक बार यूनिट भी है इसमें, छोटा सा मिनी बार यूनिट एक डिजाइन करके दिया हुआ है। और बहुत बढ़िया स्पेस है, लोकेशन आपकी। थैंक यू सो मच। और ये इसके बाकी फॉल सीलिंग देखिए सर, और डिजाइनर वॉल देखिए। ये मोल्डिंग में जो आपने सर ये चीज करवाई है, ये आपने आइडिया दिया? हाँ जी सर, ये एक्चुअली में सर आइडियाज हम शेयर करते हैं, हम भी शेयर करते हैं, कुछ कस्टमर अपने आइडियाज बताते हैं तो सर जो पसंद आता है म्यूचुअली वो हम यूज करते हैं सर। बहुत बढ़िया। और फर्नीचर की अगर बात करें सर, फर्नीचर में चॉइस की बात रहेगी? हाँ जी। आप पूरी चॉइस करवा देते हैं या कुछ सर पार्शियल करा देते हैं? अगर फर्नीचर किसी का अपना है, पुराना किसी के पास रखा है, तो सर वो भी यूज कर सकते हैं हम साइट पे। और किसी के पास फर्नीचर नहीं है, किसी को फर्नीचर चाहिए हमारे एंड से, तो हम फर्नीचर भी प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत बढ़िया। और ये देखेंगे वॉल, बहुत ही बढ़िया वॉल तैयार करवाई है, बहुत बढ़िया लग रही है सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्या देखेंगे सर? अब हम सर नेक्स्ट आपको किचन की तरफ लेके चलते हैं। तो आइए सर लेके चलते हैं आपको किचन में। ये हमारी किचन की एंट्री रहने वाली है सर। ये आप देखिए, पूरा पैनलिंग हमने यहाँ पे किया हुआ है, और पैनलिंग के साथ हमने एक मिनी सा शैंडलियर यहाँ दे रखा है, जिसके साइड में दो लाइट्स हैं। हाँ जी। और ये आप पैनलिंग में देखिए, फ्लूइड लैमिनेट्स हैं। अच्छा, ये लैमिनेशन रहेगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये फ्लूइड लैमिनेट्स हैं। इसके बाद सर ये हमारे फ्रिज की जगह है। ये आप देखेंगे, पूरी हमने ऊपर कैबिनेट्स बना रखे हैं। और ये आप देखिए, ये जो आप पल्ले देखेंगे सर, ये बाहर से कितने डिफरेंट है दिखने में। बिल्कुल। हाँ जी। और तो इसमें माइका का काम है सारा सर, ये एक्रेलिक है। ये एक्रेलिक रहने वाला है पहले, बट ये फिनिशिंग एक तरीके से ना SDHMR की भी दे रहा है सर। बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये प्रोफाइल लाइट तो सर ने हर जगह एक एनहेंसमेंट दी हुई सर, है। ये प्रोफाइल लाइट से ना एक्चुअली में दिखने में बहुत अच्छा लगता है, और नीचे भी आप देखेंगे तो नीचे भी हमने प्रोफाइल लाइट यूज की है, बिकॉज ये देखने में बहुत बढ़िया लगती है। बहुत बढ़िया। और ये आपने एक छोटी सी पेंट्री भी रेडी करी सर। पेंट्री से पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको इनोटेक बास्केट्स। ये इनोटेक बास्केट्स लगी हुई है, ये आप देखेंगे सब सॉफ्ट क्लोज बास्केट्स हैं। ओके। ये इनोटेक बास्केट्स बोलते हैं इसे। ये हमने वहाँ पे भी यूज़ किए, आटा ट्रॉली के लिए भी होती है, राइस ट्रॉली के लिए भी होती है, तो हमने वहाँ पे आटा ट्रॉली दी है। इसके अलावा सर ये पेंट्री जो आप बोल रहे थे, ये पूरा पेंट्री यूनिट है सर। वेरी नाइस। हाँ जी। और ये सारा कुछ आपको एक जेन्युइन हाउस में दिखा रहे हैं, ये नहीं है कि आपने कोई मतलब साइट रेडी करवा दी। ये सर एक्चुअली देनी है, नहीं देनी, या किसी और की साइट है सर? ये अपनी साइट है, जेन्युइन साइट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सर पोजीशन दे चुके हैं, पोजीशन के बाद का शूट है सर ये। बिल्कुल। और ये तो आप ये देखेंगे सर, एक शटर यूनिट हमने यहाँ दिया है, जिसके अंदर सब अप्लायंसेस रख सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली स्विच और सॉकेट है, जिसमें हम कुछ भी अपना यूज कर सकते हैं सर अप्लायंसेस। बहुत बढ़िया। इसके साथ में सर हमने ये आप देखेंगे आरओ के लिए यहाँ पे कटिंग की है, जिसके लिए बार बार पल्ला ना खोलना पड़े। ओके। कि बार बार खोल सर, मेरे घर में भी सेम यही आरो है। ओके, लेकिन मुझे पल्ला खोलना पड़ता है। हाँ, जिससे सर ये जल्दी बहुत जल्दी खराब होते हैं। बिल्कुल। तो इसके कब्जे खराब होने का डर रहता है। हाँ जी। ये मैं भी एक सजेशन अब दूंगा अपने कारपेंटर को कि ये करके दे मुझे, और बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर भी प्रोफाइल लाइट तो हर जगह है सर। एनहांस करने के लिए प्रोफाइल लाइट देनी बहुत जरूरी है। एक बार आपको यहाँ से दिखाऊंगा, इसके अलावा ये बाहर भी हमने एक पोर्शन बनाया है सर, जहाँ पे हमने डबल सिंक का यूज किया है। ओके। ये आपका वॉशिंग एरिया रहने वाला है, यहाँ पर भी आपको काम करके दिया गया है सारा। हाँ जी। और यहाँ पर डबल सिंक रहेगा सर, यहाँ पे डबल बाउल सिंक है। ये वॉशिंग एरिया, ये बेसिकली यूटिलिटी एरिया है। ओके। इसमें भी आपने ये रेडी करके दिया सारा कुछ नीचे? हाँ जी सर, सारे कैबिनेट्स और सब चीज सब रेडी है सर। इसके बाद ये भी दिखाना चाहूंगा, ये हमने हर जगह यूज किए हैं, ये फोल्डेबल मेश बोलते हैं सर। ओके। सर फोल्डेबल मेश भी हमने हर जगह दिए, कि सपोज जैसे दरवाजा खोलने का मन है मच्छर ना और है। हाँ जी, मच्छर ना है, कोई कीड़ा मॉस्किटो ना है बेसिकली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज थी ये भी। और ये ना मतलब एक सोच ही होती है, एक इनोवेशन है कि अपने आप में बंदा सोच करके ये सजेस्ट करता है, जो आप सजेस्ट कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, ये बहुत ही बेहतरीन सर। एक्चुअली में हम चाहते हैं, अगर देखो हमारे कस्टमर हमारे से जुड़े हुए, तो कुछ उन्हें इनोवेटिव मिले और हट के चीज मिले। बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर बालकनी। ओके। ये बालकनी एरिया रहने वाला
आइए आपको बालकनी शोकेस करते हैं सर। मैं ये सुनने के लिए बहुत ही इच्छुक हूँ कि आपने बालकनी में क्या स्कोप ऑफ वर्क रखा होगा, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन एक चीज करके दी है सर ने बालकनी में। ये बालकनी के ऊपर हमने यहाँ टाइल्स का यूज किया है, जिसके साइड में हमने आर्टिफिशियल ग्रास लगाई है सर, और बीच में हमने बुद्धा जी की वहाँ पे पेंटिंग लगाई है। और ये देख सकते हैं ये कौन सा फ्लोर है सर? ये 16th फ्लोर है। बहुत बढ़िया। और ये देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक सर ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया अपने आप में कि यहाँ पर बैठे हैं, अगर क्लाइंट्स बैठे हैं और चाहे कि जूसकी के मजे ले रहे हैं तो अपने आप में एक फीलिंग आती है सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। बाकी आप देख सकते हैं सर, इसके एसी भी ऊपर रूफ की तरफ ही हैंग है। मोस्टली ये वॉल पे हैंग होते हैं, तो हमने ये रूफ पे स्पेशली हैंग कराए ताकि यहाँ स्पेस मिल जाए। बिल्कुल, ये भी एक स्पेस एलोकेशन का आइडिया है सर का। बहुत ही बढ़िया लगा सर, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्या कवर करेंगे? बाकी हम कॉमन वॉशरूम की तरफ लेके चलते हैं, उसके बाद योगा रूम एंड बाकी सारे जो बचे हुए बेडरूम्स हैं वो दिखाते हैं आपको। हाँ जी सर। तो अब आपको सर दिखाते हैं वॉशरूम। ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। ओके। हाँ जी, जो हमने पूरा ब्लैक ब्यूटी बनाया सर। ओके, आजकल काफी डिमांड चल रही है। हाँ जी, इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने प्रोफाइल लाइट्स का यूज किया हुआ है, और जैसा कि आपको पहले ही बताया सर, ये बॉक्सेस हमने बनाया है ताकि अपना यूटिलिटी का कोई भी सामान रख सके। बिल्कुल। ये साथ में सर हमारा नहाने का एरिया है, यहाँ पे ये हमने सीट्स का यूज़ किया है, सब हिंदवेयर की सीट्स है। और ये साथ में हमने यहाँ वैनिटी ली है, जहाँ पे आगे यहाँ पे भी टच मिरर लिया है, ये आप देख सकते हैं सर। और यहाँ पर टाइल का यूज़ किया हुआ है, एक डिमाश्क लुक देने की कोशिश करी है, बहुत ही बेहतरीन लग रही है, जो कि बहुत बढ़िया लगा सर ये टाइलिंग का वर्क भी आप। बाकी टाइलिंग के साथ आप देखेंगे यहाँ पे हमने अलग हाइलाइटर भी बिल्कुल बिल्कुल जो कि इसमें जान डाल रहा है और बहुत अच्छी लग रही है सर। इसके साथ आप फ्लोरिंग देखेंगे तो ये पूरी वुडन फ्लोरिंग है, और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी ये गेस्ट वॉशरूम है, तो आगे आने वाले वॉशरूम और भी अच्छे देखेंगे आपको। क्या बात है, वो भी देख लेते हैं। और साथ के साथ सर इस रूम में बार बार नजर जा रही है, इसके बारे में भी बताइए सर। ये योगा रूम है, ये स्पेशली फॉर योगा है। अच्छा, सिर्फ योगा? हाँ जी सर, ये देखिए इसलिए हमने मिरर भी लिया सामने, ठीक है, ताकि मिरर में सर किसी को कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई योगा कर रहा है या डांस कर रहा है तो साथ में मिरर में दिखता रहे। बाकी यहाँ भी विंडो थी तो इस वजह से यहाँ पे हमने ब्लाइंड्स लगाए हैं, ये साथ में मोल्डिंग से यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सर, ये वार्डरोब यहाँ पे डिजाइन किए। और एक और चीज बताना चाहूंगा, शायद बाहर से तो वार्डरोब नहीं दिख रही है, बिकॉज हमने नई डिजाइन की है। अच्छा, वैसे वार्डरोब भी पुरानी है। ओके, वार्डरोब भी पुरानी है। बहुत बढ़िया। और ये लाइटिंग देख सकते हैं यहाँ पर, लाइट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि बहुत बढ़िया लग रही है अपने आप में सर। और ये बहुत एम्बिएंट लाइट का यूज किया है हमने ताकि घर लग्जरी लगे और बड़ा लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या कवर करेंगे सर? अब सर नेक्स्ट मास्टर बेडरूम, वो दिखाता हूँ आपको। चलिए सर। नमस्कार सर, मैं बताना चाहूँगा सर, ये कपिल सर और निधि मैम ये प्रॉपर्टी के ओनर हैं, तो इनसे जानते हैं हमारे रिव्यूज और कैसा हमने घर डिलीवर करा है। सर प्लीज़ अपने रिव्यूज बताइए। जी, घर काफ़ी अच्छा डिलीवर किया, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। और दो चीज़ें जो मैंने शायद पहले भी बताया कि एक टाइमलीनेस और बजट फ्रेंडली डिस्कशंस, और बजट फ्रेंडली जितनी भी हमारी डिस्कशन कर रही हैं वो सब काफ़ी अच्छी रही हैं, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। मैम आप भी बताइए कि कैसा आपको लगा घर बनने के बाद? वही कि जैसे आप देख रहे हैं कि मुझे क्रिएटिविटी चाहिए थी, कुछ कुछ एरियाज़ में मैं कस्टमाइजेशन भी चाहती थी कि मेरे हिसाब से चीज़ें बने, तो ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ कि घर वैसा ही बना, बल्कि कई मेरे आइडियाज़ थे जो इन्होंने सिंक किए अपने डिज़ाइन के साथ, और वो कस्टमाइजेशन और जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ जो साथ साथ काम होते होते जो हम डिस्कशंस करते हैं, तो वो सारा जो है वो इस घर में अल्टीमेटली दिखा, तो मुझे बहुत ओवरऑल बहुत सेटिस्फेक्शन है। और मैं इनको रेकमेंड भी करूँगी कि किसी को भी अपने हिसाब से घर बनाना हो तो दे शुड गो टू छाबड़ा इंटीरियर्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर आपके ब्यूटीफुल और अच्छे रिव्यू के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आप नेक्स्ट क्या देखेंगे? अब हम सर आपको ये दिखाते हैं, मंदिर रूम है। Okay. जो हमने मंदिर रूम पूरा डिज़ाइन किया है, जहाँ पे हमने पैनलिंग का यूज़ किया है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आपको लेके चलता हूँ सर किड्स रूम की तरफ। ओके। हाँ जी, ये किड्स रूम है। हाँ जी सर, बढ़िया डिज़ाइन करा है सर। इसकी आप बैक देखेंगे तो बैक वार्डरोब और स्टडी यूनिट
ये हमने तीनों का पैटर्न ऐसे रखा है। और प्लस सर इसकी अब लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि आप क्लियर देख पाए यहाँ पे। क्या बात है। और मैचिंग वर्क देखिए गाइस कितना बेहतरीन मैचिंग वर्क किया सर ने। हाँ जी। और ये सर कस्टमर की डिमांड थी ये कलर? सर कस्टमर की डिमांड भी थी और मैंने भी सजेस्ट किया क्योंकि इनकी डॉटर का रूम है। ओके। हाँ जी, ये डॉटर का रूम था और बहुत बढ़िया तैयार किया सर ने। और प्रोफाइल लाइट यहाँ पर भी मिल जाएंगी क्योंकि स्टडी के हिसाब से लाइट्स लगाई गई है। बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। इसके बाद आप पीछे देखेंगे सर ये टीवी कंट्रोल है, इसके भी जो लैमिनेट्स है वो सेम मैचिंग है बैक की बेड से। ओके। हाँ जी, ये मैचिंग के साथ में रहेगा। इसके बाद आपको लेके चलते हैं सर इसके वॉशरूम की तरफ। ठीक है, वो भी देखिए इसका वॉशरूम रहने वाला है सर। ओके, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसका वॉशरूम। ये सारा टाइल वर्क भी आप ही नहीं कर रहे सर? सर सब हमने किया है, कंप्लीट एंड टू एंड वर्क हमने किया है, जिसमें यहाँ गोल्डन बेसन का यूज किया है और साथ में ये वैनिटी जो मैच कर रही है हमारी टाइल्स को, आप देखेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, इसके बाद हमने ये पूरा इनले वर्क किया है और यहाँ पे भी इस बाथरूम में भी टच मिरर रहने वाला है। टच मिरर यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी स्पेस दिया हुआ है। हाँ जी, स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, स्टोरेज स्पेस है। और आप देख रहे होंगे सर निशस में हमने सॉकेट का यूज किया है, ये स्पेशली एलेक्सा के लिए है। ओके। हाँ जी, ऑटोमेशन का भी काफी सारा सर ऑटोमेशन का भी काम करते हैं, अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो ऑटोमेशन भी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो कि स्पेशली हमें सिर्फ ऑटोमेशन के लिए कॉल करेंगे, तो हम ऑटोमेशन भी इंटीरियर के साथ ही कवर करते हैं। इट मींस कि वो पार्ट ऑफ वर्क रहेगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया।